कई बार क्या होता है, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम आमने सामने होते हैं, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है और क्लियर होता है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन भी अराइज होता है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ पर्संस के साथ है। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि हम ड्राई क्लीन कराते हैं, तो जो ड्राई क्लीन की रिसिट होती है उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर के साथ या उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कुछ चेंज होता हो, नहीं। उसी तरीके से आप रेलवे का टिकट ले लीजिए, आप एरोप्लेन फ्लाइट्स का ले लीजिए, वो भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। आप कोई फेयर ले लीजिए, वहां पर भी फिक्स रहता है। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब करने वाले का तो अपनी तरफ से सेट रूल्स है कि ये हमारे रूल्स हैं, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका ये रूल्स जो हमारे तरफ से तय है आपको उसके हिसाब से नेगोशिएशन करना है। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एग्जेम्पशन भी दिए गए हैं जहां आप अपनी लायबिलिटी को एज सच स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा माइनस नहीं कर सकते कि भी हमने कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो किया नहीं है। तो यहाँ पे आप कहाँ उसका देख सकते हैं जहां आपको ये पता चले कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपके खिलाफ जा सकता है या नहीं जा सकता। पहला तो कहता है कि भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो है इट शुड बी इन अ शेप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। दूसरा कहता है कि किसी भी तरीके का कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड कहता है उस जो नोटिस आपने दिया है, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका रीजनेबल नोटिस होना चाहिए। अब्बल तो जो होता नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे लिखे जाते हैं कि आंख वाला आदमी तो मुश्किल है उसको रीड कर पाना। फोर्थ कहता है कि नोटिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटेम्परेनियस होना चाहिए, इसका मतलब एग्जिस्टिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो अपना लायबिलिटी से एग्जेम्पशन चाहती है तो उसको उस नोटिस के बारे में उसे पहले ही बता देना है, ना कि बाद में। फिफ्थ कहता है कि टर्म्स जो आप उस पर इम्पोज करते हैं दैट शुड बी वेरी रीजनेबल। अब यहाँ पे एक केस आया हमारे पास लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी का, जो कि AIR 1966 का मद्रास का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक कस्टमर ने लॉन्ड्रर्स को, ड्राई क्लीनर को अपनी नई साड़ी दिया जो कि इट वाज कॉस्टिंग ₹220, 1966 का केस है। अब जब हम एक सामान किसी ड्राई क्लीनर लॉन्ड्रियर को देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आता कि भाई आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आप उस साड़ी को गुम कर देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनके टर्म में ये था कि भी अगर हमारे से कोई मिसप्लेसमेंट होती है तो वी वुड गिव यू हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट वैल्यू, यानी कि 50%। तो 220 की साड़ी अब हुई आपकी 110 में। अब जब 110 की बात हुआ तो उसने कस्टमर को ऑफर दिया, कस्टमर ने मना कर दिया, कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट ने कहा कि ये जो टर्म है वो टर्म ही आपने, मतलब जो नोटिस आपने लगाया है वो गलत नोटिस है आपका। फिर यहाँ पे 6 पॉइंट आ जाता है कि आपको वो एग्जेम्पशन क्लॉज का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है। 7 कहता है फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक केस आया अलेक्जेंडर वर्सेज रेलवे एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल इस केस को छोड़ के बात कर रही हूँ, मान लो हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहां जाने से पहले, मतलब अंदर घुसने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, वी टेक ऑफ अवर शूज। हम अपने शूज उतार के काउंटर पे देते हैं और वो हमें टोकन सा देते हैं या रिसिट देते हैं, व्हाट सो एवर उनका ट्रेंड है वहां। अब जब उन्होंने हमें वो टोकन दिया, मान लो बिना टोकन दिए, क्योंकि अब मैं प्लेंटी फॉर यू, यहां पे मेरी तरफ से मैंने टोकन टेंडर नहीं किया उस बंदे को और उस बंदे ने मेरे शूज किसी और को दे दिया और वो कोई और लेके चला गया, यहां पे अब जो मंदिर वाले हैं वो ये प्ली नहीं ले सकते कि हमारी तो लायबिलिटी बनती नहीं क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस ये लिखे हुए हैं। और अब हम वापस अपने वाले केस में आता है अलेक्जेंडर का। यहां पर क्या हुआ कि एक क्लॉक रूम था तो रेलवे अथॉरिटीज का, उन्होंने अपना लगेज क्लॉक रूम में डिपॉजिट कराया, रिसिट ले लिया। रिसिट के पीछे ये टर्म था कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो वी वॉन्ट बी लायबल फॉर दैट। तो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ
पर इस केस में बेलर बन चुके हैं, मैं बेली हूँ, यहाँ पे बेलमेंट अराइज हो गया, तो आप एज अ बेलर कैसे डिनाई कर सकते हैं कि मैंने जो बिना टोकन दिया आपने मेरी तरफ से लगेज किसी और को ही दे दिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भी ये आपकी तरफ से डिफॉल्ट है, तो आपको या तो लगेज कहीं से अरेंज करो या उनको कंपनसेशन दो। आप नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि लॉयल्टी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज होना चाहिए। मान लीजिए कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और बी ने अपनी लॉयल्टी को एक्सक्लूड करने की बात करी, यानी कि वो एग्जेम्पशन क्लॉज लेके चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा बंदा जो है, यानी कि जो स्ट्रेंजर है या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, वो भी इसमें नहा ले कि भी गंगा बह रही है मैं भी कूद लूं। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, सी के बीच में नहीं, तो सी यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मांग सकता। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है कि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। अब स्टैट्यूटरी अगर कोई भी लॉज बनाता है तो उसके अंतर्गत भी आप कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वीकर सेक्शन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट सेट फॉर्मेट में बना दिया जाता है, जो उनके लिए उसको टर्म्स फॉलो करने होते हैं। थैंक यू।